हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन योर यूट्यूब चैनल श्याम व्लॉग्स। और आज मैं आपके सामने रिव्यू करूंगा एक नए अतर का जो कि काफ़ी फेवरेट है मेरा पर्सनली। और आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये अतर मिलेगा जिसका नाम है गोल्ड अंबर। ठीक है, 3 ml की साइज़ में है, पराग फ्रेग्रेंस से मुझे मिला है। और ये आप देख लीजिए, यहाँ पे बैच लिखा है PF यानी पराग फ्रेग्रेंस, और यहाँ पे पराग फ्रेग्रेंस की सील आपको दिखाई दे रहेगी। तो ये इस तरीके से जो पैकेजिंग है वो मुझे मिला है, और ये पराग फ्रेग्रेंस का है। ये 3 ml की साइज़ में है, मैंने काफ़ी कम लिया, पर मैंने एक गलती की कि मैंने काफ़ी कम मात्रा में लिया इसको। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम मैं उसे 1 तोला यानी 12 ml में लूँगा। ठीक है, तो चलिए अब इसकी फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं किस तरीके से है। सो फ्रेंड्स, आप जो इसका जो कलर देख रहे हैं वो कलर इसका येल्लोइश है। ठीक है ना, लिक्विड जो शेप है वो येल्लोइश है। और अब मैं इसको थोड़ा मेरे हाथ पे रब कर लेता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं, और इसको अब थोड़ा महसूस कर लेते हैं कैसे इसकी खुशबू है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इसका जो नाम सुना है वो है गोल्ड अंबर। ठीक है, तो गोल्ड अंबर जो है, आपको इसका जो टेस्ट है मैं आपको बता देता हूँ कि हम लस्सी नहीं पीते हैं, लस्सी जो होती है, तो एक जो लस्सी है हम घर पे बनाते हैं नॉर्मल सी, एक हम बाहर से पीते हैं। ठीक है ना, थिकनेस वाली, जो उसकी जो स्मेल होती है स्वीट सी, और एक इलायची भी उसमें डालते हैं, पर इसमें इलायची का फ्लेवर नहीं है। इसमें आपको उस तरीके की स्वीट स्मेल आएगी। ठीक है, साथ में अंबर का जो नोट है वो आपको मिलेगा, एंड साथ में जो कस्तूरी है वो मिलेगी। मतलब एक स्वीट सी स्मेल, सॉफ्ट सी स्वीट, ठीक है ना, अंबर है, कस्तूरी है, उसका टेस्ट आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो मुझे ये जो खुशबू है ये मुझे बहुत प्यारी लगी है। सिंपल है पर एकदम है ना रिचनेस है। मतलब इस जो क्वालिटी में हम बोल सकते हैं कि इस फ्रेग्रेंस में हम बोल सकते हैं कि ये जो फ्रेग्रेंस है वो रिचनेस है इसके अंदर। ठीक है, खुशबू जो है एक ऊंचे दर्जे की जो है खुशबू है ये। इसे हम जो कहते हैं ना शाही अतर, हम उसकी कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो उस तरीके की इसकी स्मेल है। और ये मैंने एक पराग फ्रेग्रेंस का मैंने अतर लिया था। ठीक है, तो उसके साथ में मैंने ये भी ले लिया था। ठीक है, साथ में तो उसके साथ में मुझे मिला था, और साथ में ये काफ़ी अच्छा अतर है। इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। प्रोजेक्शन जो है इसका लगभग आपको 5 मीटर तक इसका प्रोजेक्शन मिलेगा, यानी इसकी जो खुशबू है लगभग 5 मीटर तक आपके चारों तरफ रहेगी। लॉन्ग लास्टिंग की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है वो आपके कम से कम 24 घंटे तक रहेगा। ठीक है, पर जो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो समय के साथ कम होता जाएगा। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग बढ़ेगी तो प्रोजेक्शन कम होता जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्वीट स्मेल है, फिर से मैं बता रहा हूँ, स्वीटनेस में जैसा सब बोले, स्वीटनेस मतलब कोई शक्कर नहीं है, ठीक है ना, शुगर नहीं है, पर एक वो रिच फ्लेवर है। ठीक है ना, जैसा मैंने आपको बताया था, जब हम लस्सी पीते हैं तो स्टार्टिंग में जो उसकी खुशबू कैसी आती है, उस तरह की खुशबू आप इसमें महसूस कर सकते हैं। ठीक है, पर उससे भी बढ़िया, मतलब 1 गुना 10 गुना ज़्यादा बढ़िया होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उस तरीके की आपको महसूस होगा। ठीक है, स्वीटनेस के साथ में एक चीज़ और नोट करें कि फ्रेशनेस भी है, स्वीट की फ्रेशनेस। ठीक है, तो वो है, या फिर आपको मैं एक और तरीके से बता सकता हूँ कि हम कोई सुपारी खाते हैं। ठीक है, तो सुपारी का जो फ्लेवर नहीं होता है स्वीट सा, उस तरीके का भी फ्लेवर हमें इसमें मिल जाएगा। अब बात करें कि इसे कौन लगा सकते हैं, तो मेल लगा सकते हैं, फीमेल भी लगा सकती हैं। ठीक है, पर कोशिश करें कि मेल ही ये बेटर रहेगा। फीमेल ओके, यस, लगा सकती हैं। बॉयज़ बच्चे हैं, हाँ, बच्चे भी लगा सकते हैं, बूढ़े भी लगा सकते हैं। तो एक स्वीट स्मेल है जो कि हर कोई लगा सकता है। ठीक है, ये अलग तरीके की स्वीट खुशबू है। हमने बहुत जगह सुना होगा कि स्वीट खुशबू है ज़्यादातर अच्छी नहीं होती है, पर वो ये वैसी नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके की आपको ओल्ड वाइब भी दे सकती है।
पर वो इतना नहीं है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मैंने क्या लगा लिया, चीप क्वालिटी का अतर या परफ्यूम, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये एक शाही कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। हाँ, और जैसे जैसे ये जो ड्राई डाउन होता जाएगा यानी सूखता जाएगा समय के साथ, तो आपको इसके अंदर कस्तूरी का फ्लेवर जो है वो धीरे धीरे आपको मिलेगा, ठीक है। स्वीटनेस कम होती जाएगी, फिर थोड़ा वुडीनेस इसके अंदर फ्लेवर है कस्तूरी का, वो फ्लेवर आपको इसके अंदर मिलेगा, तो वो चीज़ें ये इसके अंदर ज़्यादा मिलेगी। तो यह था फ्रेंड्स आज का वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।